नारनौल में एटीएम मशीन चोरी, मशीन में था 17,35,600 रुपए का कैश। गैस कटर से काट ले गए बदमाश। हरियाणा के नारनौल शहर में बदमाश लाखों रुपए के कैश से भरी एटीएम मशीन चोरी कर ले गए। मशीन को गैस कटर की मदद से काटा गया जिसमें 17,35,600 रुपए कैश था। सिटी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार नारनौल शहर के महेंद्रगढ़ रोड पर पंचायत भवन के सामने एक्सिस बैंक की ब्रांच है। इसके साथ ही एटीएम बूथ बना हुआ है। यहां पर एक ही बूथ में दो एटीएम मशीन लगी हुई थी। रविवार की दरमियानी रात बदमाश एटीएम बूथ में दाखिल हुए और फिर नकदी से भरी एक एटीएम मशीन को गैस कटर की मदद से काट कर ले गए। मैनेजर के मुताबिक मशीन में 17,35,600 रुपये कैश था। सोमवार सुबह बूथ से एक मशीन गायब देख इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। इसके साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि लाखों रुपए कैश चोरी करने वाले बदमाशों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले 19 अप्रैल को नारनौल शहर के नागरिक अस्पताल के पास पीएनबी की मेन ब्रांच में दीवार तोड़कर घुसे बदमाशों ने एटीएम मशीन को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त बदमाश कैश चोरी नहीं कर पाए थे। लेकिन अब 7 दिन बाद ही शहर में बदमाशों ने एटीएम चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इतनी बड़ी चोरी की वारदात ने पुलिस की गश्त के दांव की भी हवा निकाल दी है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में 4 से 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में एटीएम को डालकर वो लोग लेकर चले गए हैं। कलम की ताकत के लिए नारनौल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट।
जी लूट नहीं कहेंगे, चोरी कहेंगे इसको हम, चोरी हुई है। तो इस संबंध में जो बैंक मैनेजर है उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्दी हम इसको अरेस्ट करके ट्रेस करेंगे लोग। सर क्या अभी तक इसमें कोई पुलिस के हाथ लिप या? देखिए अभी प्राइमरी स्टेज पे है इन्वेस्टिगेशन, मैं कुछ भी अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जल्दी हम इसको ट्रेस करेंगे। कितने लोग शामिल थे? देखिए जो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास उपलब्ध है उसमें 5-6 लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी बातें सामने आएंगी उस हिसाब से कार्रवाई। एटीएम में कैश की बात कीजिए तो कितना कैश? अभी एटीएम वो हेडक्वार्टर से संपर्क में है मैनेजर साहब, वो जैसे ही एग्जैक्ट डाटा देंगे तो हम बताएंगे।